बड़ी मेहनत करें फाइनली जी मैं पहुंचा हूं अपने इलाके की उस जगह पे जहां पे दरिया ने जो है कई बस्तियां डूब गई हैं और हर तरफ जो है वो पानी पानी है और जहां तक नज़र जाती है अपनी मदद आपके तहत ये बांध वगैरह बनाया हुआ है जिस जगह मैं खड़ा हूं और वहां से शुरू हो के ये सारा इलाका जो है वो डूब चुका हुआ है। आगे चलता हूँ उधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे नुकसान हुआ है और ये देखें लोगों की फसलें खड़ी हुई हैं, पट्ठे वगैरह लोगों के डूब गए हैं। आगे वो कपास थी सारी और जितनी भी इधर कपास थी फसलें थी सारी की सारी डूब चुकी हैं। और जिधर तक नज़र जाती है ना हर साइड पे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है। लोगों के घर बिल्कुल जो है वो डूब चुके हैं, जो माल मवेशी गंदम वगैरह जो भी चीज़ें थी लोगों की सारी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप है, गर्मी है और बेचारे लोग सिर्फ अपनी जाने बचा के, अपने बच्चों की जाने बचा के जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो सिर्फ जो है वो घर वगैरह बाकी हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इधर। लोगों ने अपने घरों को बचाने के लिए कितनी कितनी मिट्टी जो है मेहनत करके लगाई हुई है और इधर से पानी जो है आएगा तो इनके घर जो है ये भी खत्म हो जाएगा। बाकियों के तो हो गए हैं, बस ये जिनके बच्चे हुए हैं वो आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं। जी देखें मैं पहुंचा हूं दूसरे बंद पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर जो है वो लोगों के डूबे हुए हैं, हर तरफ पानी पानी है दूर दूर तक। ये सामने घर जो है आपको नज़र आ रहा है, ये घर बिल्कुल डूब चुका है, वो आगे सामने ही घर हैं सारे सारे डूबे हुए हैं। कितने ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त मुश्किल में। अम्मी मुझे सुबह से कह रही थी कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, ये है वो है। तो आज मेरा दिल हुआ कि मैं देख के आऊँ कि पानी वैसे कहाँ तक आया हुआ है, हमारे इलाके में कितना दूर है। तो यहाँ तो जहाँ तक नज़र जाती है उधर तक पानी पानी है। और ये दरिया सतलुज जो है वो भालपुर से तकरीबन कोई ये भालपुर का इलाका ही है तकरीबन, और हमारे घर से कोई 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र है, इतना दूर है। तो इधर देखें बेचारे जानवर वगैरह भी जो है वो उनको बचाने के लिए एक साइड पे रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर और पानी आ जाता है तो ये सारे के सारे जानवर भी जो है वो डूब जाएंगे। लोगों की मशीनरियाँ और जो भी चीज़ें थी वो सारी डूबी हुई हैं। पानी इधर से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और सामने ये घर हैं, तो इधर जैसे ही जाएगा तो इनके घर, इन्होंने सब अपने हिफाजत के लिए जो है वो बांध वगैरह बनाए हुए हैं, घरों को मिट्टी वगैरह भी लगाई हुई है, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। आपने दुआ करनी है, इधर देखें Thank you.
تقریباً ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪੈ ਗਾਲੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਟਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਸੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਭੀ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਕੁਛ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੁਛ ਅਭੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ तो आप सब कैसे हैं तो रात को जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो हाशिम भाई को हमने कहा है कि जाकर आप पता करके आएँ कि हमारे यहाँ सैलाब आ रहा है या नहीं आ रहा लेकिन हाशिम भाई जो है सुबह से गए हैं उधर तो हम अम्मी को तो बहुत आपको पता है हमारी अम्मी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थोड़ी सी है बात होती है वो ज़्यादा परेशान हो जाती ज़्यादा परेशान हो जाती है तो पूरी रात जो है उसको दिलासे हम देते रहे कि हमारे यहाँ नहीं आ रहा आप आराम करके सो जाएं लेकिन फिर भी जो है हमने देखा तो रात को वो उठ कर बैठी हुई थी लेकिन सुबह जब हुई तो हमने कहा देखें कोई हमारे पास सैलाब नहीं आया लेकिन आज मैंने कन्फर्म करने के लिए ना गया था उधर और देखने के लिए लेकिन हमारे इलाके की दूसरी साइड पे जो कि हमसे तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर है अगर पीछे से और पानी आता है तो फिर हो सकता है कि हमारे पास आ जाए वरना हाँ हमारे पास अल्लाह करे कि ना आए लेकिन जिनके पास आया वो भी हमारी बहनें हैं हमारी माएँ हैं हमारे भाई हैं वो मुश्किल हालत में है परेशानी में है मैं देख के आया हूँ शादिया मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है लोगों के जानवर लोगों की चीज़ें जो उन्होंने मेहनत कर करके यकीन माने जहाँ पे एक हम आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आप मेरी मिसाल को ज़रा गौर से समझिएगा यहाँ पे टोके वाली जो मशीन होती है ना टोके वाली वो हम तकरीबन हमारी कोई 3 या 4 साल से नहीं है ऐसे ना शादिया हमारी इतनी मतलब वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है लेकिन हम वो नहीं लगवा सके क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें हैं मेहनत बंदा करता है फिर लगवाता है और लोगों की चीज़ें वहाँ सैलाब में सैलाब के पानी में बह रही हैं जानवर बह गए हैं राशन बह गया है जो चीज़ें लगी हुई थी वो सारी ख़राब हो गई हैं आपको पता है आप देख सकते हैं घर में कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हाँ बिल्कुल और सारी चीज़ें अब बंदा कि अंदर जब पानी आ जाए तो कैसे समेटे सारी चीज़ों को कहाँ लेके जाए और लोग इतने ज़ालिम हैं इतने ज़ालिम हैं कि जो लोगों जिन लोगों के पास सवारी हैं बजाय उनकी मदद करने के उनसे इतना इतना किराए मांग रहे हैं इतनी इतनी चीज़ों को उठाने के जो है वो मजदूरी मांग रहे हैं कि वो बेचारे दे ही नहीं सकते इसलिए ना यार प्लीज़ किसी के ऊपर ना अल्लाह ऐसा वक्त ना लेके आए ठीक है हमारी तो हर सबके लिए दुआ होती है और इधर अम्मी जान और रिमशा जो है वो दूध निकाल रही हैं गाय का रिमशा ने गाय को पकड़ा हुआ है अम्मी जान दूध निकाल रही हैं और रिमशा ने आयशा को भी उठाया हुआ है आयशा के साथ गाय ना प्यार कर रही है यार मुझे तो सबसे ज़्यादा इनको फिक्र थी मुझे इन प्लेटों की फिक्र थी क्योंकि मैंने इनको बड़ी मेहनत से लिया है तो मैं ये सोच रहा था कि सैलाब आ गया तो ये वाली प्लेटें मैं कैसे उठा के लेके जाऊँगा तो इस तरह ना छोटी छोटी चीज़ें बंदा अपनी मेहनत करके बनाता है और जो सैलाब आता है तो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चीज़ें बनाते बनाते और वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं फिर और आज हम क्या बना रहे हैं शाजिया से पूछता हूँ शाजिया क्या बना रही हो आज क्या क्या बना रही हो हम तो सराकी में उसको बोलते हैं गवार गवार बना रहे हैं जी गवार हमारे पास फ्रिज में 2-3 दिन से पड़ा था क्योंकि हमारे इलाके में जो है देसी गवार है देसी गवार इस मौसम में होता है तो हम शौक से बनाते हैं और उसको खाते भी हैं हाँ